गिफ्ट देना चाहते थे, इसलिए उनके नाम पर ये हॉस्पिटल भी है और उनसे इनॉग्रेशन करवाए। सिवान में एक पोते ने अपने दादी के सपनों को साकार किया है। डॉक्टर पोते ने अपने दादी को हॉस्पिटल गिफ्ट में दिया है, साथ ही हॉस्पिटल का नाम भी अपने दादी के नाम पर रखा है। बता दें कि शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर उमेश ने अपनी दादी सुशीला देवी के सपनों को पूरा करते हुए एक हॉस्पिटल का निर्माण कराया, जिसका नाम दिया है सुशीला देवी हॉस्पिटल। डॉक्टर उमेश ने हॉस्पिटल का उद्घाटन किसी वीआईपी गेस्ट से नहीं बल्कि अपने दादी सुशीला देवी से दीप प्रज्वलित कराकर किया, जो कि शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। उद्घाटन के मौके पर शहर के कई प्रसिद्ध चिकित्सक और समाज सेवी मौजूद रहे। डॉक्टर उमेश ने बताया कि इस हॉस्पिटल में ओपीडी, ऑक्सीजन भर्ती की सुविधा के साथ साथ सभी आधुनिक सुविधा उपलब्ध है। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को यहाँ आने के लिए धन्यवाद। इस अस्पताल का नाम सुशीला देवी हॉस्पिटल है, जो मेरी दादी के नाम पे है। मेरा नाम डॉक्टर उमेश हुआ। हमने अपनी MBBS और MD पीडियाट्रिक्स की पढ़ाई PMCS से की है। उसके बाद हमने सीनियर रेजिडेंसी एम्स न्यू दिल्ली से किया है और सफदरजंग हॉस्पिटल में भी हम कार्यरत थे एज ए सीनियर डॉक्टर। उसके बाद फोर्टिस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली बसंतकुंड ब्रांच में हम कंसल्टेंट भी रह चुके हैं। हम अभी सदर हॉस्पिटल सिवान में पोस्टेड हैं और अभी ये मेरा क्लिनिक सुशीला देवी हॉस्पिटल के नाम से डॉक्टर उर्मिला आखौरी मैडम के सामने आज ओपनिंग हुआ है। यहाँ पर हमारे यहाँ ICU, NICU, PICU, जनरल वार्ड, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन सभी तरह की यहाँ सुविधाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ सीपैप की व्यवस्था भी है और बहुत ही जल्द 1-2 महीने वेंटिलेटर की भी व्यवस्था यहाँ पे जल्द ही शुरू होगी। हमारे यहाँ जो विशेष जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, उन लोगों के लिए विशेष रूप से छूट दी जाएगी और 24 घंटे की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। सर, आपने बड़े बड़े महानगरों में इतना सेवा दिया है, लेकिन फिर सिवान में आपका सेवा देने का क्या कुछ? क्योंकि मेरा घर यहाँ गोपालगंज में और सिवान, गोपालगंज, छपरा सब एक ही सारण प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। एक तरह से ये मेरा अपना घर हुआ, तो हमने बहुत जगह अपना सेवा देने के बाद हमको ऐसा लगा कि अपने गांव के लोगों के लिए भी, अपने शहर के लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर। सर, अपने बड़े अस्पताल को घर मंत्री नेता करते हैं, अपनी माँ से अपने कराया, क्या कुछ सोच? क्यों, मेरी दादी 95 ईयर ओल्ड लिविंग है, उन्हीं के नाम पर ये हॉस्पिटल है और हम उनको कुछ अपने तरफ से ये गिफ्ट देना चाहते थे, इसलिए उनके नाम पर ये हॉस्पिटल भी है और उन्हीं से इनॉग्रेशन करवाया। किस तरह का अस्पताल खुला और कहाँ खुला है? ये बच्चों का अस्पताल खुला है यहाँ पे और यहाँ डॉक्टर उमेश जी बैठेंगे। ये एम्स में थे पहले, अब यहाँ सिवान सदर हॉस्पिटल में भी ये पदस्थापित हैं और यहाँ पर नवजात शिशु का इलाज होगा और ये अब अच्छा हो गया कि जो लोग दिल्ली जाके इलाज कराते थे एम्स में, अब उनको वो सुविधा सिवान में उपलब्ध होगी क्योंकि एम्स के डॉक्टर सिवान में अब मिलेंगे। आधुनिक व्यवस्था सिवान में मिलने लगी है, क्या कहेंगे इसके बारे में? आधुनिक व्यवस्था हमारे यहाँ भी ICU की व्यवस्था है, ऑक्सीजन के वेंटिलेटर की व्यवस्था है और अच्छे सब सब साधनों की व्यवस्था है यहाँ से। तो हमको लगता है यहाँ आसपास के गांव के लोग जो खास लोग हैं, वो उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे कहेंगे कि अगर इस तरह का कोई छोटे बच्चों की जरूरत हो तो आए यहाँ से और अपना इलाज कराएं। ये कहाँ पे हुआ है? ये हॉस्पिटल रोड में डॉक्टर अखौरी के सामने है। सिवान वासियों के लिए, सभी सिवान वासियों, गरीब अमीर सबके लिए आज खुशी का विषय ये है कि हम पहले कल्पना करते थे या फिर किसी समस्या में आते थे अपने बच्चों को लेके तो पटना, गोरखपुर, दिल्ली के लिए हम लोग प्रस्थान करते थे, लेकिन अब दिल्ली के ऐसे डॉक्टर जो दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल और एम्स के डॉक्टर्स और सफदरजंग के रहने वाले डॉक्टर, विशेष अनुभव प्राप्त करने वाले डॉक्टर उमेश कुमार आपके सिवान में
देश रत्न राजेंद्र बाबू के धरती को अपनी सेवा देने जा रहे हैं, ये हर्ष का विषय है। किस चीज़ का सेवा देंगे, क्या कुछ ये शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। गरीब लोगों के लिए आपने जो बात रखा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि पहले सेवा गरीब का होना चाहिए, तो निश्चित रूप से डॉक्टर साहब ने कहा है कि कोई भी गरीब यहाँ से निराश होकर नहीं जाएगा, बिना इलाज का नहीं जाएगा। क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे, जितने आधुनिक व्यवस्था हो सकते हैं, दिल्ली में आप जाते हैं, पटना में जाते हैं, सारी प्रकार की सुविधाएं आपको इस सिवान में और इस अस्पताल में मिलने की व्यवस्था शुरू हो चुकी है। अभी तक जो फैसिलिटीज मिल रही है उसे तो बेहतर ही मिलेगी, क्योंकि डॉक्टर साहब दिल्ली एम्स में भी रहे हुए हैं, वहाँ के सीनियर डॉक्टर हैं, और मैं साथ में डॉक्टर साहब को शुभकामना देती हूँ कि सिवान में जन सेवा भी करें साथ में, और जो भी नई फैसिलिटीज हैं यहाँ के लोकल लोगों को उपलब्ध कराएं। क्या लग रहा है सिवान अब बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है, पहले से आप देखेंगे बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पे आ गए, जो ऑपरेशन यहाँ पे नहीं होती थी वो भी क्रिटिकल ऑपरेशन यहाँ पे किए जा रहे हैं। सिवान में बहुत सारे बच्चे के डॉक्टर हैं, क्या कुछ खास रहेगा यहाँ, क्योंकि ये एम्स में रहे हैं तो निश्चित यहाँ पे कुछ खास और लेटेस्ट तो रहेगा। देखिए आज शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साहब का क्लिनिक का उद्घाटन हुआ और ये एम्स में भी रहे हैं, और इस उद्घाटन के अवसर पर माँ भगवती से मैं कामना करता हूँ कि ये अस्पताल उत्तर विकास की ओर रहे और इसका विकास लगता है कि आधुनिक क्लिनिक है और यहाँ अच्छा व्यवस्था होगा बच्चों के लिए। देखिए जो भी नया चीज खुलता है तो अपने आप में नयापन लेकर आता है, और सिवान के अंदर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की बहुत क्लिनिक है, और उसमें भी ये नया अध्याय जुट रहा है, और पूरा विश्वास है कि ये एम्स में भी रहे हैं तो अच्छा मतलब इलाज करेंगे, और सिवान के लिए एक नया मतलब अनोखा चीज रहेगा। बिल्कुल, अभी तो बहुत सारे नए लोग जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, क्योंकि एक समय था कि कोई बाहर से आता नहीं था, बहुत सारे आए हैं अभी तो, हमको लगता है लॉकडाउन के बाद से हड्डी के दर्द से ज़्यादा डॉक्टर लोग आए हुए हैं, तो इनफैक्ट जितने ज़्यादा डॉक्टर होंगे तो कहीं ना कहीं क्वालिटी तो इम्प्रूव होती है, ज़्यादा अच्छा सुविधा सिवान वासियों को मिलेगा। अब धीरे धीरे सिवान भी बदल रहा है, सिवान में भी अच्छी व्यवस्था हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल हो रही है, बहुत सारे डॉक्टर आने से क्या है कॉम्पिटिशन भी होता है, और उससे क्या है कि डॉक्टर लोग बेहतर सुविधा देने की हर तरह से कोशिश करता है। ये क्लिनिक खुला है, किस तरह से शुभकामना देना चाहेंगे इनको? मैं ये अच्छा काम करे, सिवान वासियों को सुविधा मिले, अच्छा इलाज मिले और अच्छे मैंने सस्ते कॉस्ट में मिले, यही हमारी आशा है और यही शुभकामना है कि डॉक्टर साहब आगे बढ़े और लोगों की सेवा करें। चाहेंगे नहीं, उम्मीद से हमारे साथ रहते हैं सदर अस्पताल में, मेरा छोटा भाई भी है, हम मेरा छोटा ना रहे उनके साथ, और अच्छी तरह से काम करके भी आए हैं, और उम्मीद लगाते हैं कि सिवान को एक नया जो है से ट्रीटमेंट मिलेगा। एम्स के डॉक्टर रह चुके हैं लगातार अस्पताल में भी कार्यरत हैं, किस तरह की व्यवस्था अब सिवान में बदल रही है? अब तो बहुत पहले तो बहुत एडवांस खा रहे हैं, हमारे यहाँ सिवान है वो बहुत एडवांस एडवांस स्टेज में है, अभी भी अभी डी एम साहब को हम लोग देखे हैं, हम लोग रिफर भी किए उनको, तो बताया कि यहाँ के लोग कॉम्पिटिशन है अभी सिवान में या कम नहीं है। अब बच्चों छोटे बच्चों का अच्छा इलाज यहाँ पर हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, अब तो इतने कॉम्पिटेंट लोग हैं तो अब क्या चाहिए। सर आप शिशु रोग विशेषज्ञ स्पेशल भी हैं और किस तरह से शुभकामनाएं दे रहे हैं? हमारे बहुत छोटा भाई है, हमको बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने के लिए आपके शहर सिवान में आ गया है दास इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर वन ब्रांडेड वस्तुएं, जिसमें मॉडलर स्विच, टेबल फैन, सेलिंग फैन, फैंसी लाइट्स आदि प्रकार की ओरिजिनल वस्तुएं हर समय उपलब्ध रहेंगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए दास इलेक्ट्रॉनिक्स, NR मार्केट, शॉप नंबर 2 N3, महादेवा नियर शिव मंदिर, सिवान।